Hello guys, welcome back to another lesson on MPPSC Assistant Registrar Examination MCQ series. My name is Aditya Dubey and in this topic we will deal with Chief Minister of the State. Okay, तो ये हमारा सिलेबस है जो कि पेपर टू के फोर बी टॉपिक से डील करता है. अभी मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बताया था जिसमें गवर्नर के बारे में. यदि आपने गवर्नर का वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आई बटन पे क्लिक करके आप जरूर देखिएगा. इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं जो मैंने बाकी एमसीक्यू वीडियोज बनाए. इस टॉपिक में हम डील करेंगे टॉपिक फोर बी जो कि है चीफ मिनिस्टर. तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी की. तो चीफ मिनिस्टर के बारे में एमसीक्यू डील करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो. तो चीफ मिनिस्टर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो एक तरीके से आइडेंटिकल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरह. जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का उत्तरदायित्व पूरी तरीके से पूरे भारत में रहता है उसी तरीके से सीएम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे स्टेट की तरफ रहती है. ओके, और अगर आप इसके बारे में और लिख सकते हैं मीन्स पढ़ सकते हैं कि सीएम जो रहता है वो सर्व करता है एज अ हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. मतलब जो मंत्रिमंडल होता है उसका प्रधान कहलाता है चीफ मिनिस्टर. ओके, और सीएम जो रहता है वो रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कहलाता है. अब यहां पे टर्म आता है रियल. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में गवर्नर के बारे में बताया था कि गवर्नर एक्ट एज द स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड, मींस हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज नोन एज गवर्नर. बट अगर रियल या वास्तविक शक्तियों की बात की जाए, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है रहती है वो रहती है सीएम के पास. ओके, और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है अगर बात की जाए फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी या लॉ या जो कोई भी एक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है तो उसमें सीएम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है. इसके अलावा जो भी बिल मिनिस्टर्स के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर मींस विधानसभा में प्रेजेंट किए जाते हैं वो सीएम के अप्रूवल के बिफोर प्रेजेंट किए जाते हैं. मींस पहले सीएम के अप्रूवल की जरूरत होती है. ओके, तो ये था हमारा बेसिक समरी जो हमने सीएम के बारे में जाना. अब हम डील करते हैं एमसीक्यू के साथ. तो पहला एमसीक्यू है कि हु अपॉइंट्स सीएम, मतलब सीएम को अपॉइंट कौन करता है. तो इसका सही आंसर है गवर्नर. गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम को. और जैसा मैंने आपको बताया कि सीएम एक्ट एज अ रियल एग्जीक्यूटिव, तो सीएम जो रहता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है और स्टेट गवर्नमेंट का रियल एग्जीक्यूटिव हेड कहलाता है. और जितने भी मिनिस्टर्स या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं वो गवर्नर करता है लेकिन सीएम की एडवाइस के साथ. मतलब गवर्नर डायरेक्टली अपॉइंट करता है सीएम को, लेकिन अगर सीएम चाहता है कि अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मींस मंत्रिमंडल में किसी मंत्री की नियुक्ति करना है तो सीएम गवर्नर से कहता है मींस रिकमेंडेशन देता है कि हमें इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करनी है, देन गवर्नर उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है. तो ये बताता है आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपसे एग्जाम में आर्टिकल बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से क्या आर्टिकल 164 में बताया गया है. तो आपसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस एनलिस्ट किए जा सकते हैं. इसके अलावा अगर गवर्नर की बात चलिए तो मैं आपको और एक और चीज बताना चाहूंगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गवर्नर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यदि इन चार स्टेट में से मतलब बिहार, एमपी, ओडिशा और झारखंड, मींस ये चार स्टेट जो है बिहार, एमपी, ओडिशा और झारखंड, यदि इन स्टेट का कोई व्यक्ति गवर्नर है तो गवर्नर का ये उत्तरदायित्व मींस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वहां के सीएम को वो रिकमेंडेशन दे कि आप एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करें. तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं. ओके, इसके अलावा मैं कुछ एक बेसिक एक लेमन फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा. ये ऑफकोर्स आपको पता होंगे बट लेकिन एक क्विक रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर बात की जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. अगर फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी की बात की जाए तो वो थे मिस्टर पट्टाभी सीतारामैया. और अगर फर्स्ट हाईकोर्ट जज ऑफ एमपी की बात की जाए तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला. ओके, तो ये हमने एक क्विक रिवीजन किया सीएम के साथ और उसके कुछ ऑप्शंस के साथ. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अगला क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मींस विधानसभा में मंत्रियों की संख्या मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल की संख्या जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होती है वो कितने एक्सीड नहीं करना चाहिए, उनकी संख्या कितने प्रतिशत एक्सीड नहीं करना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. तो क्वेश्चन ये है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. तो इसका सही आंसर है 15%. मींस 15% से ज्यादा संख्या एक्सीड नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली में. ओके, तो ये एक और बेसिक क्वेश्चन.
अगला क्वेश्चन है कि टेन्योर ऑफ द सीएम, मतलब सीएम का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहां पे इसका अगर जनरल बात की जाए तो जनरल जो सीएम का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। मींस 5 साल के लिए सीएम निर्वाचित होता है और उसके 5 साल बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, देन री इलेक्शन होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन की अगर बात की जाए तो 6 ईयर का एक्सेप्शन है मात्र एक स्टेट में, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो सीएम होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। ओके, हमारा जो टेन्योर सिस्टम है वो आधारित है वेस्टमिंस्टर सिस्टम पे, जो ये बताता है कि अगर चीफ मिनिस्टर के पास जब तक असेंबली का कॉन्फिडेंस रहेगा तब तक वो चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है, और एक टर्म का मीन्स वन टर्म की जो लिमिट होती है मीन्स ईयर के बेसिस पे वो 5 ईयर रहती है। मतलब एक टर्म का कार्यकाल मैक्सिमम 5 ईयर रहता है। ओके, तो और इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर अकेला एक ऐसा स्टेट है जहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल 6 साल का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम अ सीएम कैन बी इलेक्टेड, मतलब सीएम का निर्वाचन कितनी बार किया जा सकता है, मींस एक सीएम कितनी बार मैक्सिमम निर्वाचित हो सकता है। तो यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर है नन ऑफ दीस, क्योंकि सीएम का जो कार्यकाल होता है मींस वो 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर बात की जाए टाइम ऑफ इलेक्शन की, मतलब कि कितनी बार वो निर्वाचित हो सकता है, तो वो इनफाइनाइट टाइम है, मींस वो जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। अब इस क्वेश्चन से पर्टेनिंग मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा। अगर बात की जाए टेन्योर की, तो सबसे बड़ा टेन्योर किस चीफ मिनिस्टर का रहा अगर हम भारतीय राज्य की बात की जाए तो अभी फिलहाल का जो करंट अफेयर न्यूज है मींस जो मार्च 2018 का करंट अफेयर है वो ये बताता है कि जो पवन कुमार चैमलिंग है, मिस्टर पवन कुमार चैमलिंग जो कि सिक्किम के सीएम है, ओके, पवन कुमार चैमलिंग जो कि सिक्किम के सीएम है, वो उनका कार्यकाल सबसे बड़ा कार्यकाल माना जाता है भारतीय इतिहास में किसी भी राज्य के सीएम के पद का, क्योंकि उन्होंने 24 ईयर्स तक सीएम का पद संभाला और अभी भी संभाल रहे हैं। मीन्स 24 ईयर प्लस का टेन्योर उनका रह चुका है, और इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड जो तोड़ा है वो तोड़ा है ज्योति बसु जी का, जो कि हैं बंगाल की। मीन्स पहले है हमारा सिक्किम, ओके, ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पवन कुमार चैमलिंग जी 24 ईयर से नॉन स्टॉप चीफ मिनिस्टर बन के रह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड जो वेस्ट बंगाल की ज्योति बसु जी होल्ड करती थी, जो 23 ईयर्स की सीएम थी, मीन्स 23 ईयर्स तक सीएम का कार्यभार संभाला, तो उनका ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से क्या सीएम का क्वालिफिकेशन नहीं है, मीन्स विच ऑफ दीज इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ सीएम। तो यहां पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं आपको सही आंसर बता दूं, ऑप्शन ए, क्योंकि ये ऑप्शन ए गलत है। ये बताया गया है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सही है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट गड़बड़ है, मीन्स ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज, इसकी जगह 25 ईयर्स होना चाहिए। मीन्स अगर सीएम को, मतलब सीएम अगर बनना चाहता है कोई भी, तो उसकी जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 25 ईयर्स होना चाहिए, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, और यदि कोई चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बन पाता है तो वो 6 महीने के अंदर मीन्स 6 मंथ के अंदर उस स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन सकेगा, और तब वो सीएम कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो इसके अलावा ये मैंने फिर से क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया कि एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कंसिडर्ड एज सीएम प्रोवाइडेड दैट ही शी शैल हिमसेल्फ और हरसेल्फ इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन द टेन्योर ऑफ 6 मंथ। मतलब अगर सीएम कोई बनना चाहता है और अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, या कोई भी मिनिस्टर मिनिस्टर बनना चाहता है और वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 मंथ के अंदर या तो स्टेट लेजिस्लेचर या तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस विधानसभा या तो विधान परिषद का 6 महीने के अंदर मेंबर बनना होगा, नहीं तो उसकी जो पोजिशन है वो लैप्स कर दी जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीएम मेंशन्ड अंडर विच शेड्यूल, मतलब किस सूची के तहत, किस शेड्यूल के तहत जो ओथ है मींस शपथ है सीएम की मेंशन की गई है। तो इसकी बात मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, विच इज थर्ड शेड्यूल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थर्ड शेड्यूल में ओथ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब ओथ की बात की जाए तो ये 2 तरीके की होती है, एक होती है ओथ ऑफ ऑफिस, मतलब ऑफिस की ओथ, और एक ओथ होती है ऑफिस ऑफ सीक्रेसी, मीन्स सीक्रेसी की ओथ होती है। तो ये जो हमारी ऑफिस ऑफ ओथ की अगर बात की जाए तो ये थर्ड शेड्यूल मीन्स तीसरे सूची में
पैरा नंबर 5 पे डील करती है, मतलब पैरा 5 शेड्यूल 3। और अगर सीक्रेसी ओथ की बात की जाए तो ये भी थर्ड शेड्यूल में दी गई है, लेकिन इसका पैरा नंबर है 6। ओके, तो ये कुछ ज्यादा डीप हो गया, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन कोई भरोसा नहीं एमपीपीएससी का, हो सकता है आपसे पूछ सके, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत जो सैलरी या रेम्यूनरेशन या भत्ता वगैरह जो सीएम का होता है और उसके मिनिस्टर का रहता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, मींस अंडर विच आर्टिकल रेम्यूनरेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द अदर मिनिस्टर आर टू बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर, कौन से आर्टिकल में बताया गया है ये? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विच इज 164। आर्टिकल 164 में बताया गया है कि जो सीएम का भत्ता मींस उसका जो सैलरी और या एक्स्ट्रा एमोल्यूमेंट्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे और अदर मिनिस्टर के भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, ये बताता है आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को डी ज्यूरे हेड कहा जाता है, बट डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसको बोला जाता है? तो मैं आपको बता दूं, डी ज्यूरे और डी फैक्टो ये दो पॉलिटिकल टर्म होते हैं। डी ज्यूरे का मतलब होता है कि बाय राइट और अकॉर्डिंग टू लॉ, मींस बाय राइट और अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब लॉ के अनुसार कौन हेड होता है, और डी फैक्टो अगर बोला जाए तो वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, मींस एक्चुअल पावर या फैक्चुअल पावर किसके पास होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज सीएम, मतलब हमारे अगर राज्य की बात की जाए तो गवर्नर जो रहता है वो डी ज्यूरे हेड कहलाता है, मींस वो बाय लॉ एक स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड कहलाता है, लेकिन डी फैक्टो मींस रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एमपी के जो पहले सीएम थे वो किस सिटी से निर्वाचित हुए? ओके, फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी वॉज इलेक्टेड फ्रॉम विच सिटी? तो सबसे पहले तो आपको ये फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी हमारे एमपी के सबसे पहले सीएम रहे। ओके, पंडित रविशंकर शुक्ल वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी किस सिटी से निर्वाचित हुए थे? तो यहां पे आपको चार सिटी दी हुई है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो है सराईपाली। सराईपाली सिटी से जो हमारे सबसे पहले जो सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल वो निर्वाचित हुए थे। अब सराईपाली की बात की जाए तो ये अभी मॉडर्न छत्तीसगढ़ का पार्ट है। ओके, छत्तीसगढ़ की सिटी है सराईपाली। ओके, और अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पे है तो वो है जबलपुर में, लेकिन अगर पूछा जाए कि वो किस सिटी से इलेक्ट हुए थे, किस सिटी से निर्वाचित हुए थे, तो वो है सराईपली, जो कि अभी वास्तविकता में छत्तीसगढ़ का पार्ट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीजी इन 2000? मतलब सन 2000 में जब एमपी से सीजी का फॉर्मेशन हुआ तो उस वक्त एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विच इज मिस्टर दिग्विजय सिंह वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीजी इन 2000। और एक और फैक्ट आपको बता दूं, सीजी जो है वो एमपी से अलग होके 1st of November 2000 को बना। ओके, 1st नवंबर 2000 को सीजी बना, और उस वक्त हमारे एमपी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर दिग्विजय सिंह। अब आपसे अगर एक्सट्रीम लेवल पे और नया लेवल पे क्वेश्चन बना के पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द गवर्नर ऑफ एमपी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीजी इन 2000, तो उसका आंसर है भाई महावीर। मतलब भाई महावीर जी उस समय एमपी के गवर्नर थे जब सीजी का गठन हुआ। अगर उमा भारती जी की बात की जाए तो उमा भारती फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी हैं, और अगर शिवराज सिंह चौहान जी की बात की जाए जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, इनका कार्यकाल सबसे बड़ा कार्यकाल माना जाता है एमपी सीएम के इतिहास में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रिसेंटली इलेक्टेड एज नागालैंड सीएम? ये मार्च 2018 का करंट अफेयर है जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे जुड़े अन्य फैक्ट भी मैं जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विच इज नेफ्यू रियो इज द करेक्ट आंसर। मतलब नेफ्यू रियो जो हैं वो अभी रिसेंटली नागालैंड के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, और इनको शपथ किसने दिलवाई? इनको शपथ दिलवाई थी पीवी आचार्य ने। अब जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में और अभी रिसेंटली बताया था कि गवर्नर जो रहता है वो शपथ दिलाता है चीफ मिनिस्टर को, तो बाय डिफॉल्ट जो गवर्नर ऑफ दी नागालैंड कहलाएंगे वो कहलाएंगे पीवी आचार्य। ओके, पीवी आचार्य इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड, वेयर इज द नेफ्यू रियो
इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। अब इन्होंने सरपास किया था टी आर जीलिंग को। टी आर जीलियांग जो थे वो पहले, मतलब इससे पहले नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब अगर आपसे अगर एक और फैक्ट पूछा जाए कि नेफ्यू जो रियो हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो इसका सही आंसर है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, NDPP, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ओके, और गवर्नर कौन है? PB आचार्य ऑफ नागालैंड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है, आप इसको जरूर रीड कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। अब मैं आपसे तीन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट MP गेव टू CG ड्यूरिंग पार्टीशन इन 2000, मतलब MP ने CG को कितने डिस्ट्रिक्ट दिए पार्टीशन के समय। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट विद MP आफ्टर पार्टीशन विद CG, मतलब MP के पार्टीशन होने के बाद मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट बचे। ओके, इसके अलावा है लास्ट क्वेश्चन कि प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ MP कौन है? हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर SC वेलफेयर डिपार्टमेंट इन MP? तो ये तीन क्वेश्चन है जो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और अगर नहीं पता है तो प्लीज आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, मीन्स सर्च कीजिए नेट में, और इनके बारे में जानिए और कमेंट कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए। अगर आपको कुछ एक इनपुट अच्छा लगता है मेरा, मींस अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक्स फॉर नाउ, हैप्पी प्रिपरेशन, बाय, ऑल द बेस्ट।